कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 में सेकंड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो सकती है और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट थे जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई है, तो हमारी टीम की तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छे से आप आगे की प्रोसेस करवाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाइए। जो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुई है वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करवाएं। ओके, उसके बाद में जिसको अपग्रेड करना हो वो अपग्रेड करें और जिसको वो सीट चाहिए तो वो वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। ओके, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था कि फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेकेंड राउंड कब तक रिजल्ट है वो आएगा। सेकेंड राउंड की रिजल्ट के लिए आपको वेट करना होगा। अब कब तक वेट करना होगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ दिन पहले एक अपडेट्स आई थी, उसमें आपका सारा शेड्यूल दिया हुआ है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। अब उस शेड्यूल को हम चेकआउट कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट है, ठीक है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट है वो जारी होगा आपका 18 तारीख को। ओके, 18 तारीख को आपको जो है सेकेंड राउंड का रिजल्ट है वो जारी होगा। ओके, पहले आपका सबसे पहले आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो 18 तारीख को आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको 12 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने हैं, उसके बाद में 18 तारीख को आपको जो है वैकेंट सीट आएगा एंड देन आपका रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कब तक वेट करना है, 18 तारीख तक वेट करना है जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वाला है आपके फर्स्ट राउंड के लिए, सॉरी सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, अब यहाँ पे वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो, ठीक है, कौन कौन जिनको अभी तक सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, ठीक है। अब सबसे पहले इस लिस्ट में आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए, ठीक है, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में यदि एफ सी एन ए लिखा हुआ है, ओके, तो उन स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, ठीक है। उनको कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं होगी। ओके, ये चीज़ समझ में ध्यान में आ गया कि जितने फर्स्ट राउंड में जो है चॉइस फिलिंग की थी वही चॉइस फिलिंग आपकी सेकंड में रहेगी, आपका कोई चेंजेस नहीं रहेगा। दूसरी बड़ी बात, वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनके सीट अलॉटमेंट के आगे एफ सी एन ए लिखा हुआ, तो वो स्टूडेंट सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली जो है पार्टिसिपेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक जो है अलॉट हुआ। सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुआ है वो यदि ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड, ठीक है, यदि आपका फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपका वो सीट लॉक हो जाएगा और आपको फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट हुई है वही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और यदि आप सेकंड ऑप्शन लेते हो तो सेकंड ऑप्शन लेने के बाद आपको अपग्रेड हो जाएगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करोगे और आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करोगे तो आपका सेकेंड में मतलब अपग्रेड किया तो आपको ऊपर की जो चॉइस फिलिंग है उसमें मैक्सिमम चांस है कि आपको वो सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड के लिए, वही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई नया स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं होगा। ओके, और जो स्टूडेंट सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है वो इसमें सेकंड राउंड में आएंगे और जो अपग्रेड करें उनको यहाँ पे सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई है। ओके, जिन्होंने अच्छे से चॉइस फिलिंग की है, अच्छे से अपना काउंसलिंग करवाया, तो उनको जो है यू आर कैटेगरी से 1048 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई है। वही हम ओबीसी की बात करें तो 1712 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई है। एससी की बात करें तो 4339 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। एसटी की बात करें तो 8221 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई है। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में तो 3441 तक सीट अलॉटमेंट हुई है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जिसके पास सर्टिफिकेट था उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो 1000 रैंक तक ही सीट अलॉटमेंट हो पाती, बट यदि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था तो 3441 तक भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो ये काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ओके, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद में यदि आप कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जब सीट अलॉटमेंट हुई है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा तो उसका सीट कैंसिल हो जाएगा और वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हुई है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना ही होगा। अब यहाँ पे हम बात करें सेकंड राउंड के लिए कितना कट ऑफ रहेगा, सेकंड राउंड में कितने स्टूडेंट्स को सीट मिलने वाला है। तो मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं सीट अलॉटमेंट के, जो मैक्सिमम सीट अलॉट होती है वो आपके सेकंड राउंड में होती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते
होते हैं जो MBBS या किसी अनदर कोर्सेज में एडमिशन लिए होते हैं, तो वो यहाँ पे सिर्फ ट्राई करने के लिए आते हैं कि कौन सा सीट उनको अलॉटमेंट होने वाली है। तो सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि 50% से ज़्यादा आपका सीट है वो खाली रहेगा। ओके, तो चलिए उसके बाद ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में यहाँ पे हम सेकंड राउंड की बात करें, तो सेकंड राउंड में आपका UR कैटेगरी, ठीक है, UR कैटेगरी में आपका रैंक है वो 1500। उसके बाद में हम बात करें OBC में, तो OBC में आपका 2500 के अप्रोक्स यदि रैंक हो, SC में आपका 5000 या 5500 तक यदि आपका रैंक हो तो वेट करना है, ST में आपका जितने भी स्कोर है यदि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो आपको वेट करना है, EWS में भी आपका जितना स्कोर हो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है 51 से अबाव नंबर हो तो आपको वेट करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि UR कैटेगरी से 1500 तक या 2000 तक वेट करना है, OBC में 2500 तक, SC में 5000 तक वेट करना है, और ST में आपका जितना भी स्कोर है वैसे आपको वेट करना है, और EWS वाले स्टूडेंट है जितना भी 51-52 स्कोर है तो आपको वेट करना है। ओके, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर रेगुलर एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको 18 तारीख तक वेट करना है सेकंड राउंड के रिजल्ट के लिए, और 18 तारीख को ही आपका सेकंड राउंड की वैकेंट सीट का लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है वो करवा लीजिएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कैसे चूज करा है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।